हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी जस्ट उठा हूँ मैं। सबसे पहले तो करेंगे एडिटिंग, बिकॉज रात को मैं सो गया था, नींद आ रही थी, तो ज़्यादा सुबह 4 बजे उठ के कर लेंगे। तो अभी एडिटिंग करते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है, थोड़ी देर बाहर चलेंगे घूमने के लिए, क्योंकि आज हमारे पैकर्स आ रहे हैं ना, तो पूरा दिन बिजी रहेंगे पैकिंग करने में सारा सामान, फिर तो कहीं जा नहीं पाऊंगा। तो अभी 6 बज चुके हैं, व्लॉग एडिट करके मैंने अपलोड पे लगा दिया है, अब चलते हैं बाहर आराम से। और ये भी उठ चुका है, और ये चले बाहर, आ जा। बाहर तो गीला गीला हो रहा है, शायद बारिश आई थी रात को। पीयूष और साहिल से पूछता हूँ, केले पे चलेंगे तो? नहीं तो फिर दिन में तो पैकिंग करनी है, दिन में तो कहीं जा नहीं पाएंगे, अभी चल सकते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। पीयूष जी, घूमने चलना है सुबह सुबह, आजा, मजा आएगा फुल। उठ, चलो ना अब। सुबह सुबह केले पे तो आ गए हम, साहिल तो घर पे था ही नहीं। मैं देख रहा साहिल, वो ऑलरेडी कहीं पे गया हुआ है। मेरे को कह रहे हैं कि साहिल और मैं जा रहे हैं, साहिल ना जाओगे, पता ही नहीं है वो पहले ही बाइक लेके पता नहीं कहाँ गया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं और ये क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर ही है, वो भी देखेगा। चलो हमको भी खेलने दोगे? तो फिर बैठ। ये देखो हमारे सातवीं फेल, क्या सातवीं फेल क्रिकेट खेल रहे हैं, आउट है ये। 4-5 बार आउट हो गए, 2 बार उन्होंने कैच करी, 1 बार, 2 बार इधर गई, 4 बार। इसके बाद मेरे को भी खेलना है, मैं बल्ला लेके खड़ा हूँ। वो रहे हमारे दृश्य बॉलर, यहाँ की पूरी टोली हमारे वीडियो देखती है। चलो फिर दे दो अब मेरे को भी, रुक जा, खेल लेते थोड़ा सा। अब भी उसकी बारी, मैंने तो खेल लिया, बस हो गया, एक बॉल भी नहीं मार पा रहा है। अब देखो बस हो गया, अभी उसी, बस दे दे, अरे दे दे यार भाई, खेलने दे उनको, खेलो तुम अच्छे से, मिलते हैं फिर कभी जल्दी। बहुत मजा आया बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत खेल के। यूट्यूबर होने का फायदा होता है कि हमको आते ही सीधा बैटिंग मिल जाती है। बाकी अभी हम टॉप पे आ चुके हैं, वहाँ पे हमारा घर है, ये एम्प्टी तालाब जो कि खाली हो गया है, बिल्कुल पानी नहीं है, बाकी मस्त मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ। तो ये बच्चे अपना क्रिकेट छोड़ के यहाँ पे आ गए, जाओ खेल लो क्रिकेट। बचपन में हम भी इन बच्चों की तरह यहाँ पे आया करते थे क्रिकेट खेलने के लिए, हर संडे को आते थे, क्योंकि स्कूल होता था ना हमारा, तो इनकी तो चलो लॉकडाउन हो गया, रोज ही छुट्टी हो रही है, हम तो बस संडे का वेट करते कि कब संडे हो, कब छुट्टी हो और हम घूमने जाएं सुबह सुबह। वो बच्चे अभी भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, मतलब मेरे को ना काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर ज़्यादातर मतलब बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ना एकदम दिल के बिल्कुल साफ होते हैं, वो एकदम से जो बोलते हैं ना, वो दिल से बोलते हैं सब कुछ, कि हम वीडियो देखते हैं, हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है, तो दिल खुश हो जाता है मेरा। तो हमको फॉलो करते करते यहाँ पे छोड़ने के लिए आ गए हैं, थैंक यू सो मच हमको छोड़ने के लिए, बाय, अच्छे से खेलना क्रिकेट, ठीक है, भाग गए। यार कितने क्यूट से होते हैं। सुबह सुबह घूम के आ गए हैं, फिलहाल अब ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता हूँ अपने लिए, ब्रेड वगैरह खा लेंगे थोड़े बहुत। और पापा जी कर रहे हैं पूजा, अभी कॉल आया था तो पैकर्स आने वाले हैं, तो मैं अपना सामान अलग कर लेता हूँ, पेपर्स पेंसिल्स, जो सामान पैक करवाना है और जो नहीं करवाना है, जो गाड़ी में मैं लेके जाऊंगा साथ में। और ये को लग रहा है मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने बैग निकाला ना, कहीं नहीं जा रहा, अब जाएंगे तो साथ में चलेंगे, ठीक है। तो ये पापा जी आए हैं पूजा करने के लिए, आरती लेते हैं। फिलहाल तो सारा सामान बिखरा दिया मैंने, तो पैकर्स आ तो गए, उनका कॉल आया था बट उनको मेरा घर नहीं मिल रहा है। गुरबे की गाड़ी खड़ी है, तो गुरबे की गाड़ी हटवाएंगे, फिर वो गाड़ी अंदर घुसेगी, ये गाड़ी हटवानी पड़ेगी तब वो गाड़ी आगे आएगी। मम्मी और पापा जी तो खाना खा रहे हैं अभी, पहले अपना काम करवा लो ना, ठीक है, और ये को पकड़ कर रखना। तो अभी कार्टून्स वगैरह आ रहे हैं, पैकिंग करेंगे, साहिल भी आ चुका है, पता नहीं कहाँ गया था ये सुबह से। पहले सारा स्टूडियो का सामान ही पैक करवा रहे हैं, फिर नीचे करवाएंगे। तो अपनी गेमिंग चेयर भी पैक हो रही है, अब सब सामान पैक कर दी, देख रहे इतनी जल्दी, पता नहीं चल रहा मेरा सामान कहाँ गायब हो गया। तब मजा आता है जब नीचे का बेड उठता है ना, इसके नीचे चीजें पड़ी होती है। अरे हाँ, स्टूडियो का तो ऑलमोस्ट सब कुछ पैक कर दिया इन्होंने, थोड़ा बहुत रह गया बस, मतलब इतनी फास्ट कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है जल्दी कर देंगे पूरा घर का ही। अभी सबसे मेन मेरे आर्टवर्क्स पैक हो रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा सेफली जाने चाहिए। यहाँ पे अपना एसी खुल रहा है। स्टूडियो का सामान तो कम्प्लीटली पैक हो चुका है, अब नीचे का सामान हो रहा है, सबसे पहले तो किचन का हो रहा है, सबसे पहले सारा किचन का सामान, बर्तन इसमें डाल रहे हैं। पापा जी फिलहाल मोटर निकाल रहे हैं और मैं लेके जाता हूँ 20 मिलियन वाली साइकिल। बाय द वे, ओरियो इस वाले रूम में है पीयूष के साथ। ओली, ओरियो क्या हो गया, ओरियो का अकेले रख दिया, ओरियो को आज रूम में बंद कर दिया। तो मेरा जो पर्सनल सामान था थोड़ा बहुत, लैपटॉप वगैरह का और कपड़े वगैरह, मैंने इन 3 बैग में डाल लिए, ये तो गाड़ी में ले जाएंगे। भाई ये स्टूडियो का क्या हाल हो गया, मतलब देख के काफी अजीब लग रहा है,
बहुत मेहनत से बनवाया था। सारे आर्ट वर्क भी पैक कर दिए यहाँ से। और ये देख स्टूडियो क्या हाल हो गया। तो अब फिलहाल फाइनली कैमरे भी निकल रहे हैं अपने, सारे वायर वहाँ पे काम आ जाएंगे ना। सोनू भैया घर पता कहाँ पे है? वो रहा, वो वाला जो दिख रहा है टंकी। तो अभी फिलहाल मंदिर का सारा सामान पैक हो रहा है, तो अभी फिलहाल जा रहे हैं अपने कुरियर्स लेने के लिए, जो भी कुरियर्स आए होंगे ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनको मेरा एड्रेस पता है तो अब से इस एड्रेस पे कोई भी कुरियर मत भेजना, बिकॉज हम तो जा ही रहे हैं। अच्छा, मैं पीयूष को नहीं ले गया, पीयूष से तो उठता भी नहीं, पीयूष से एक डब्बा भी नहीं उठता, माय प्रोटीन का डिब्बा नहीं उठता उससे। तो इसके अंदर भी बहुत सारे हैं और एक ये है, तो साहिल तो ले जा लेगा आराम से। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। तो अभी दिन के 1 बजे हैं और ऑलमोस्ट सारा सामान पैक हो चुका है इतनी जल्दी। तो अभी लास्ट में बस ये वाले रूम का सामान पैक हो रहा है। आज रात को तो मैन वर्सेस वाइल्ड करना पड़ेगा। क्यों? अरे हाँ, अरे किचन से सारा सामान गया, फ्रिज कहाँ है? अच्छा फ्रिज के अंदर खत्म, टाटा बाय बाय। तो घर के बाहर यहाँ पे ट्रक आ चुका है, उससे आगे नहीं आ रहा, तो अब सारा सामान वहीं जाएगा, एक एक करके उसके अंदर लोड होएगा। सारा आ जाएगा ना, सारा पैक हो चुका है, पैकों के डब्बों में पैक कर दिया अच्छे से यहाँ पे। औरी बाय, हम जा रहे। अपनी चला 20 मिलियन वाली, पंचर ठीक करवा ले बेटा, वहाँ पंचर ठीक नहीं होएगा, वहाँ पंचर होगा नहीं ठीक। अब क्या, अब टाइम नहीं है, इनको रैप करोगे क्या बाइक को भी? देखते हैं आज बाइक किस तरह से रैप होती है। सीन ऐसा है, सारा कुछ गैस सिलेंडर सब कुछ पैक हो चुका है और हमको लग रही है भूख, तो अब लंच टाइम है, तो सोच रहे बाहर से कुछ ले आते हैं। मैं तो समोसे खाऊंगा। समोसे? छोले समोसे। और ये को अंदर बंद कर दिया पीयूष के साथ। हैं और क्या हुआ? मस्त अपने गद्दे पे बैठे हैं दोनों के दोनों, वो फोन चला रहे हैं और ये देखे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस ट्रक में आ जाएगा, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे आ जाएगा, अभी तो थोड़ा सा ही आया है। ट्रक इतना सा है, सामान इतना सारा है, अभी अंदर भी पड़ा है। पीयूषी क्या खाएगा? वही है छोले समोसे, छोले भटूरे ऐसी। और ये क्या खाएगी लड़की? गुस्से में है क्या? तो अभी सारा सामान यहाँ पे आ चुका है, अब बस उस ट्रक में जाएगा। ट्रक छोटा लग रहा है, सामान ज्यादा लग रहा है। फिलहाल तो बस सोनू भैया और साहिल का वेट कर रहा हूँ, बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए ले तो आए बट खाएं किस में, बर्तन सारे पैक कर दिए। तो अभी अपनी बाइक रैप हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कौन सी बाइक है ये। अरे वाह सही पैक होगी बाइक। पीछे बैठ जाए इसके ऊपर, एक बार बैठ के देख, इधर से तो और भी खतरनाक लग रही है। लेमिनेशन बहुत जरूरी है। अब तो स्टूडियो बिल्कुल ही खाली हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ प्ले बटन रह गया। ये बहुत मेहनत से बनाया था पापा जी ने। बताओ अब, बताओ आप बोलो चार भी। हेलो 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 सौरभ भैया, बाय बाय। तो फाइनली अपना ट्रक पूरा पैक हो चुका है, सारा सामान पूरा लोड हो चुका है। पीयूष की 22 मिलियन वाली साइकिल, इसको कवर करो गया पूरा। तो भी अपना सामान तो गया और टाइम हो रहा है अभी 6 बज रहे हैं, आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, तो सभी मिलने के लिए आए जा रहे हैं। तो मैंने ये वाली बाइक चलाई, ये सर की बाइक है, फुल कंफर्टेबल है, मज़ा आया, मतलब बुलेट से ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे। तो अभी बैल जी आए हैं हमारे, बट हमारे पास कुछ है नहीं, सब पैक करके ले गए वो। तो अभी गाइस सब कुछ सेट हो चुका है, अब हमको बस सुबह सुबह कल निकलना है। सामान हमारा जा चुका है जो कि कल पहुंच जाएगा, अराउंड सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएगा। हम सुबह सुबह 5 या 6 बजे निकल लेंगे, तो हम भी पहुंच जाएंगे दिन में 12-1 बजे तक। फिलहाल अभी गाड़ी लेके आया हूँ, डीजल नहीं था इसमें, डीजल फुल करा लेते हैं ताकि आराम से सुबह पूरी फैमिली आराम से निकल लेंगे। बाकी सामान तो जा चुका है और थोड़ा डर सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है यार घर को छोड़ने में। मैं हमेशा गलती से बोनेट खोल देता हूँ, फुल कर दो बस। तो अभी जाने से पहले कुछ हमारे स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड आए हैं, सबसे मेन तो ये निशांत। हेलो। ओरियो, ओरियो को लेने हम दोनों गए थे। अरे चुप हो जाओ, ओरी ओरियो को लेने के लिए हम दोनों गए थे। दो दिन की मेहनत का फल है ओरियो, 2 दिन की मेहनत। रात को 8 बजे लेके आए थे ओरियो को हिसार से। तो अभी सारे के सारे फ्रेंड्स आ रखे हैं, ये अभिषेक, अंकित, कुणाल, नवीन। तो ये हमारे गली वाले फंटर, मिलेंगे जल्दी ही, फोन पे बात करेंगे। वीडियो तो देखते हो गए, देखते रहना। तो अभी रात के 10 बज चुके हैं और आज हमारा डिनर है गौराई घर, क्योंकि हमारे घर पे तो कोई बर्तन है ना, गैस है ना, कुछ भी नहीं है। तो आज का डिनर इनके घर पे हमारा, उसके बाद घर जाएंगे, मुझे तो एडिटिंग करनी है, अपलोड भी करना है, और सुबह सुबह हमको 4 बजे निकलना है। तो मेरे पास सिर्फ अभी 6 घंटे हैं, उसमें एडिट भी करना है, सोना भी है, अपलोड भी करना है, पता नहीं कैसे होगा। तो खाना अपना आ चुका है, रायता, सब्जी, सब्जी, खीर और रोटी। तू नहीं ले रहा? और जो को मैंने अपनी थाली में दे दिया पनीर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाय 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 बाय। तो डिनर करके हम घर की तरफ निकलते हुए, बिल्कुल खाली खाली घर, आवाज गूंज रही है, कहीं पे कुछ भी सामान नहीं है। आज हम यहाँ सोएंगे नीचे पूरी रात, पूरी फैमिली यहीं सोएंगे। तभी रात के 11:30 बज चुके हैं, मैं एडिटिंग कर रहा था और अभी ये क्यूट से सब्सक्राइबर मिलने आए हैं, पवीनूर हिसार से, क्योंकि हम जा रहे हैं ना तो स्पेशल। बाय बाय। रात के 2 बज चुके हैं, अब जाके मेरा एडिट हुआ है, अब इसको अपलोड पे लगाऊंगा। सुबह 4 बजे तो हमको निकलना ही था, अब 2 घंटे हैं, 2 घंटे सो जाता हूँ, बट मुझे फिर भी काफ़ी अजीब सा लग रहा है यार इस घर को छोड़ने में। ये हमारी लास्ट नाइट है इस घर में, बहुत याद आएगी, बिकॉज
मैंने इतना स्ट्रगल किया ना यहाँ पे, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बुरा सा लग रहा है। बाकी जो भी है फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड। नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, हम निकलेंगे हल्द्वानी के लिए, सामान हमारा ऑलरेडी जा चुका है जो कि आपने देख लिया। बाकी जो भी होगा देखते हैं कैसा वहाँ जो भी सीन है आपको दिखा देंगे। ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अरे एक हाथ में लैपटॉप है। भाई अपने को तो कोई पूछता ही नहीं है। हाथ कैसे लगा रही है बे?